नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इस वीडियो में बिहार सिविल कोड एग्जाम की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बिहार के फेमस टीचर रामांशु सर के वीडियो क्लिप ध्यान से, इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए, जिसमें बता रहे हैं बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब से शुरू होगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, आपका नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस रामांशु सर के वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए, जिसमें बता रहे हैं जो एग्जाम कब से होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। फिर हम आपसे बात करते हैं, पहले रामांशु सर की इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों आप लोग बोल रहे थे सर बिहार पुलिस का डेट दे दिया एग्जाम डेट, सर एक बेस्ट बुक बताइए बिहार पुलिस का जो फर के 100% प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बेस्ट बुक लेके आए हैं जो मार्केट में सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है, तक्षो प्रकाशन के बिहार पुलिस का यह बुक है जो कि 100% प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। ऑफलाइन बैच में भी हम यही बुक से पढ़ाते हैं, देख लीजिए दोस्तों, जो कि 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 3000 प्लस बहुविकल्पीय व्याख्या सहित प्रश्न दिया हुआ है, ग्रांटेड यह बुक है, और 5 सॉल्व पेपर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, पिछले जो भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिला है। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच में ही हम यही बुक पढ़ाते हैं, और पिछले जो भी एग्जाम हुआ है यहां से 100% प्रश्न देखने को मिला है। क्या उसको आना चाहिए, लेकिन अभी तो जो हाई कोर्ट था उसके बाद थोड़ा सा फंसा हुआ था, 13 अगस्त को हाई कोर्ट का मेंस हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट भी इस पर बहुत तेजी से काम करेगी और कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराए, और उतना कंडक्ट कराना बच्चों के हित में भी होगा, क्योंकि बच्चे जो अभी तैयार करके थक भी गए हैं, और इसमें जो तैयारी था जैसे लोग हाईकोर्ट में पीटी की तैयारी की थी वैसा ही इसमें जो है सिविल कोर्ट में भी तैयारी, कोई बहुत स्पेशल डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और चूंकि 13 अगस्त तक थोड़ा सा उनका बिजीनेस, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम कराना है, थोड़ा सा ईमानदारी से कराना है, और जो है उसमें पेपर लीक ना हो, सारी चीज़ें तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने लगा कि चलो भाई 13 अगस्त तक कर लें, और 13 अगस्त के बाद 15 अगस्त, तो मुझे लगता है कि इस अगस्त के लास्ट में कोई ना कोई उनकी बैठक होगी, और उस बैठक में निर्णय, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है, आपको जिसे मालूम होगा पहले बताया गया होगा, उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी निर्णय लेगी कि एग्जाम कब कराएं कब नहीं कराएं। तो उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, उधर भी बंद था कोर्ट, ओपन हो गया है, सारे के सारे उनके प्रोसीजर चल रहे हैं, एग्जाम उन्होंने टाइम पे अपना कंडक्ट करा दिया, हाई कोर्ट वाला 13 अगस्त बोला था करा दिया। अब उनका अगला लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि अब जो है कॉपी चेक होगी, उनका अलग काम है, वो कोर्ट से कोर्ट का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब इस अगस्त के लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि मीटिंग हुई, और मीटिंग में एक डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि इस महीने में। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगस्त में बहुत सारे एग्जाम है, उसका सितंबर भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम होंगे, फिर अक्टूबर में आते हैं, हवा का महीना होता है, तो अब इसी बीच में उनको एग्जाम लेना भी होगा, तो उसके लिए चूंकि इतने लड़के एग्जाम भरे हैं, उनके लिए सेंटर अलॉट करना है, सारी व्यवस्था करनी है, तो उसमें निश्चित रूप से टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अभी प्रोसीजर ही नहीं शुरू हुआ तो फिर कहां से होगा, तो प्रोसीजर मुझे लगता है कि अगस्त के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा, और जल्द ही आपके पास ये सूचना मिल जाएगी कि सिविल कोर्ट का एग्जाम। दोस्तों वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ में आ गया होगा, रामांशु सर ने वन बाय वन करके सारे प्रश्न का आंसर, आपके मन में जितना भी प्रश्न चल रहा था बिहार सिविल कोड एग्जाम के रिगार्डिंग, सारे प्रश्न का आंसर रामांशु सर आपको दे दिए हैं। रामांशु सर पूरे डिटेल्स में बता दिए हैं जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कब से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और विभाग के अंदर अभी क्या चल रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके रामांशु सर इस वीडियो में बता दिए हैं। अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा बिहार सिविल कोड एग्जाम के रिगार्डिंग, आई होप की सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में जितना भी जानकारी दिया गया। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ऐसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आते रहेगा हम आपको नए वीडियो बना बना के आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग कह रहे हैं तो हमेशा सही और ऑथेंटिक ही वीडियो पीएसटी की क्लासेज आपको प्रोवाइड करती है। आप लोग कहते हैं वीडियो के कारण बनाता है, पैसे के लिए बनाता है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, अरे आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, और आपको लगता ही है पिछले 4-5 वीडियो आप देखे होंगे जिस पर हम आपको बताए थे, जिसमें आपको बिलीव हो गया होगा, जैसे पटना हाईकोर्ट के पीटी का जिस दिन हम बोले थे उसी दिन आपको रिजल्ट आया, एग्जाम बोले थे मेंस का एग्जाम कब लेगा था, मेंस का एग्जाम भी उसी डेट में लिया, और बहुत सारा वैकेंसी के बारे में बताए थे, जिस दिन बताए थे उसी दिन आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया, उसी दिन आपका उसी के डेट में एग्जाम हुआ, सारी जानकारी उसी डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिला। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, थैंक यू।